पूरे कस्बे से 3 दिन पहले लापता हुई नाबालिग बच्ची की रेड लाइट एरिया में होने की सूचना मिली, जिस पर एसडीओपी निरंजन राजपूत ने इसकी सूचना देहात थाना पुलिस को दी। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद किया है और नाबालिग से पूछताछ में बताया कि वो कक्षा 10वीं की छात्रा है और मम्मी से झगड़ा होने की वजह से घर से भागकर शिवपुरी आ गई थी, जहाँ से रेड लाइट एरिया की रहने वाली महिला उसे अपने साथ ले गई और उससे देह व्यापार करने का बोलने लगी। जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल नाबालिग के बयान पर पुलिस ने उक्त महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 दिन पहले पौरी कस्बे से एक नाबालिग बच्ची गायब हुई थी, तो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया था। एसडीओपी पौरी साहब जो निरंजन सिंह राजपूत थे, उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि वो लड़की यहाँ जो रेड लाइट एरिया में कुछ लोग काम करते हैं उनके यहाँ पे है, रात में सर्चिंग करके और वो लड़की को बरामद किया है। वो लड़की अपनी माँ से लड़के चली आई थी वहाँ से बैठ के पौरी से शिवपुरी।